बारिक विकास खंड की डंडियोना ग्राम पंचायत की मजरा चादरोआ में बिजली के पोल खड़े हैं। ग्रामीणों के घरों में मीटर लगे होने के बावजूद पूरे गांव में बिजली नहीं चल रही है। चादरोआ निवासी रामनंद गुप्ता ने बताया है कि हमारे गांव में बिजली नहीं होने से पड़ रही है भीषण गर्मी के कारण कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं, जिनका इलाज सैफई में चल रहा है। कई नेताओं व प्रतिनिधियों से फरियाद की लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हमने अधिकारियों से भी फरियाद की लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मजबूर होकर हम लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चादरोआ से आए रामजान की पत्नी राम अवतार शर्मा ने बताया कि हम लोगों को बिजली का कनेक्शन मिल गया है, घर में मीटर भी लग गया है, लेकिन बिजली अभी तक नहीं मिली है। नोडल प्रभारी छिब्रामो वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि हमने कार्यदायी संस्था को भी अवगत कर दिया है और हम जेई सुनील कुमार के साथ पहुँच रहे हैं। आप लोगों को जो भी समस्या होगी उसका निदान किया जाएगा। सर, ये जो गांव वालों को लेके जो समस्या चल रही है लाइट के कारण विषय में, क्या रीजन है इसका और कब तक लाइट गांव वालों पर आपने लेगी? देखिए, ये पहले इटावा लाइन के साथ इनका कनेक्शन था, वो सप्लाई दे रहे थे। 6 दिन पहले उन्होंने सप्लाई काट दिया जिसके कारण वो समस्या उत्पन्न हो गई है। अब हम अपनी तरफ से अपनी टीम जो है भेज दिए हैं और काम चल रहा है। मुझे लगता है शाम तक जो है वो लाइन ऑन हो जाएगी। हम अपनी तरफ से प्रेशर डाल रहे हैं। तो क्या सर, आज शाम तक लाइट बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगी आज? जी जी, पूरी उम्मीद है। ठीक सर। ग्राम सभा डलौना के रहने वाले और गांव में लाइट नहीं पहुंचती, बच्चे मर रहे हैं, पूरा जीवन व्यतीत हो गया। चढ़रुआ के रहने वाले हैं हम सब लोग। खम्मा गड़ गए, मीटर लग गए, कनेक्शन हो गया, लाइट नहीं पहुंच रही। आपने इसकी बात किसी अधिकारी से कही? नेता लोगों से कही थी, नेता लोगों ने सुनी नहीं, तब यहाँ तक आए अधिकारियों से बोले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजान। पति का नाम? रामोता शर्मा। आज आपको लेके चलते हैं जनपद कन्नौज के बिजली विभाग में, जहाँ पे गांव वालों को लेके लाइट की बहुत समस्या थी। और सद्दाम जी से मेरी बात हुई आज कि उन्होंने ये बोला है, जानकारी दी है कि आज शाम तक घर घर में, हर घर में लाइट पहुँच पर्याप्त हो जाएगी और गांव वालों की समस्या सारी खत्म कर दी जाएंगी। आज जो लाइट को लेकर परेशान थे, जिनके बच्चे बीमार पड़ रहे थे, आज सारी समस्या का हल हो जाएगा। देखते रहिए खबर आप टीवी वन इंडिया न्यूज से। बिलाल अली कैमरामैन के साथ सोनू भदौरे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरे की रिपोर्ट, कन्नौज। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में आरक्षण को लेकर आज सर्वर नेता दाऊद दयाल कॉलेज के सामने पुल के नीचे एकत्रित हुए, जहां आरक्षण को खत्म करने को लेकर तीखी नारेबाजी भी की गई। जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष संजीव उपाध्याय के नेतृत्व में पुतला दहन जैसे ही किया गया, पहले से पुलिस मुस्तैद तथा पुलिस ने सर्वर नेताओं के हाथ से पुतला छीन लिया, जिसके बाद सर्वर नेता बिखर गए। सर्वर नेताओं के हाथ से पुतला छीन लिया जिसके बाद सर्वर नेता गुस्से में आ गए तथा उन्होंने पुलिस पर सर्वर विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया, जिसके बाद तमाम सर्वर नेता अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नया पुतला बनाया। उसके बाद उसे बौद्ध आश्रम चौराहे पर दहन किया गया तथा इस दौरान वक्ताओं में हृदेश शर्मा, संजीव उपाध्याय, ठाकुर मोहन सिंह सहित तमाम सर्वर नेताओं ने कहा कि जल्द से जल्द आरक्षण रूपी दानव को खत्म कर देना चाहिए, जिससे कि प्रतिभाओं का दमन होने से रोका जा सके। पदाधिकारियों ने जो जातिगत आरक्षण दिया जा रहा है सरकार द्वारा, उसका विरोध किया और पतला ये दाऊदा डिग्री कॉलेज के सामने रुकने का हमने प्रयास किया, लेकिन हमको कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए सबर विरोधी मानसिकता रखते हैं, क्योंकि हमको अपना विरोध भी जाहिर नहीं करने दे रहे हैं। ना हम सरकार का पुतला फूंक रहे थे, ना शासन का, ना हमको हाईवे जाम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पुतले को रोक कर ये सिद्ध कर दिया है ये सबर विरोधी लोग हैं। लेकिन सबर महासभा सबड़ों की आवाज़ उठाती रहेगी और हमने हजारों बार पुतले फूंके हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं समाज के लिए, फिर भी आगे इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। लेकिन आज जो इनका जो रहा, बहुत बुरा इनका रहा हमारे खिलाफ, और चूँकि हमारा पुतला इन्होंने हाथों से छीना है, लेकिन हम आगे भी इसकी और आगे लड़ाई रखेंगे। पुलिस प्रशासन का जिस तरीके से रवैया रहा है हितेश जी, तो आगे क्या एक्शन होगा? सवर्ण महासभा का क्या स्टंट होगा आगे? भारतीय सवर्ण महासभा के तत्वधान में आरक्षण विरोध में यहाँ पुतला जहन दाऊद महाविद्यालय के सामने किया जा रहा था। ना ही कोई अशांति का माहौल था, ना कोई सड़क जाम हो रही थी, ना ही किसी तरह का अवरोधक हो रहा था। पर लेकिन यहाँ के पुलिस द्वारा, जो थानोत्तर पुलिस के दरोगा जी हरीश द्वारा, जिस तरह का सर्वण लोगों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए पुतले को हाथ से खींच लिया गया और कहा गया कि मैं पुतला किसी भी सूरत में नहीं भुगने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। हमने कहा हम शांति तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। हमारा तो ये है कि आरक्षण जो होना चाहिए वो जातिगत आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। पर उनकी मंशा पूरी हुई, उन्होंने अपने क्या कहते हैं अपने फोर्स के साथ हम लोगों को पुतला दहन
जिसका हम विरोध करती है और अधिकारियों से भी संबंध में वार्ता करेगी और आगे रणनीति बनाई जाएगी इनके खिलाफ क्या क्या आंदोलन की तैयारी की जाए। जी संजीव जी, आज जातिगत आरक्षण भारतीय स्वर्ण महासभा द्वारा दाऊदल कॉलेज में फूका जा रहा था, लेकिन पुलिस की जो आज अपनी रही है, तानाशाही रही है, एक बहुत निंदनीय कार्य है। सवर्णों की आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने हमारा पुतला हाथ से छीना, लेकिन हम कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, सवर्णों की आवाज़ को उठा रहे थे। इसी तहत हमने दूसरा पुतला बौद्ध आश्रम चौराहे पर दोबारा फूका और हमने चेतावनी दी, अगर प्रशासन हो चाहे शासन हो, सवर्णों की बात को नहीं उठाने देगा और हमारी बात को दबाएगा तो हम पुरजोर विरोध करेंगे, इसी तरह पुतले फूकेंगे और भी धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ज़्यादा पुलिस प्रशासन हम पर दबाव बनाएगा तो आंदोलन की रणनीति। पुलिस के तानाशाही रवैया को किस तरह से देखते हैं आप? इससे ज़्यादा तानाशाही रवैया क्या हो सकता है कि आज़ाद देश में हम लोग सांस ले रहे हैं, जो कि शहीद मंगल पांडे जैसे 1857 में इन्होंने आज़ादी दिलाई, आज वहाँ रजावाद में पुलिस प्रशासन अंग्रेज बन गए हैं, जिन्होंने आज पुतला फूक कर हमारा विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया, इससे ज़्यादा तानाशाही रवैया क्या होगा। लेकिन हमने दोबारा पुतला फूक कर पुलिस प्रशासन को उनकी आवाज़ में जवाब देने का काम किया है। मोहन सिंह जी, जिस तरीके से आज पुलिस ने आपको पुतला नहीं फूंक दिया, अब इसके बाद आगे आप किन अधिकारियों से मिलने जाएंगे, आगे क्या करने वाले हैं आप? पुलिस ने जो आज जो कृत्य किया है हमारे साथ, हमारे हाथ से पुतला छीना और किसी मतलब हमको विरोध भी प्रकट नहीं करने दिया गया, ना हम न तो हम शासन का विरोध कर रहे थे, न प्रशासन का विरोध कर रहे थे, न किसी जाति की व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। आगे किससे मिलने आगे के अधिकारियों से किनसे शिकायत करेंगे? आगे हम जो एसपी से बात करेंगे, इस तरह खाना का पुलिस की जाति नहीं चलने दी जाएगी। ये जो तो थाना उत्तर में कुछ सिपाही या कुछ दरोगा ऐसे बैठे हुए हैं जो थाना में सवर्णों का विरोध करते हैं, सवर्ण विरोधी मानसिकता उनकी है, ऐसे व्यक्तियों को। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मयंक शर्मा के साथ देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। ग्राम पंचायत सरेदा करमचंदपुर में आज भी कोटेदार रघुवीर सिंह कर रहे हैं अपनी मनमानी। वहां की जनता का कहना है कि हम लोग राशन लेने जाते हैं तो हमारे साथ कोटेदार अभद्रता पूर्वक बात करते हैं और एक यूनिट पर 4.5 किलो राशन देते हैं, जबकि सरकार की तरफ से एक सदस्य पर 5 किलो राशन आता है। हमारे मीडिया टीम ने जाकर देखा तो मशीन में 255 कार्ड निकले हुए थे। हम लोगों ने ग्रामीणों से पूछा, ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार राशन नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा, मेरी समस्या जाए 5 किलो राशन आए तो 4 ही किलो। 4 का कितना राशन देते हैं? 4 का पहले 15 किलो चावल गेहूँ देते हैं और 5 किलो चावल देते हैं। अच्छा, 6 किलो चावल और 12 किलो गेहूँ। अच्छा अच्छा, ये प्रधान इनका कोटेदार का नाम क्या है? रघुवीर। कौन सी ग्राम सभा है? नौदाई बटो एक ही नहीं। ग्राम पंचायत कौन सी है? बत्तामू। अच्छा अच्छा, राशन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं राशन देते हैं? देते ही नहीं, जाते हैं धमकी देते ही, राशन है ही नहीं, आपका मिलेगा कट गया। अच्छा, मैं तो आपके हाथ में ये देख रहा हूँ कि आपके हाथ में तो किताब है। हाँ। किताब है आपके हाथ में तो, अब फिर भी नहीं दे रहे आपका तो राशन? नहीं दे रहा। हाँ, इसमें यूनिट कितने हैं? 4 यूनिट है। अच्छा, तुम आप ये किताब दिखाते जाके हो तो वो क्या बोलते हैं? है ही नहीं, राशन ही नहीं आपका। अच्छा अच्छा, किस गाँव के हैं? नंगलाबाद को। अच्छा, टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रामबरन साकी की रिपोर्ट, फरुखाबाद। फिरोजाबाद नगर के थाना रसूलपुर क्षेत्र के घनी एवं मिश्रित आबादी के मोहल्ला नया रसूलपुर गली नंबर 4 में आज दिन दहाड़े लगभग 11 बजे हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर सास बहू की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। इस दौरान मौके पर कोई भी पुरुष मौजूद नहीं था, जिसके चलते बदमाशों ने इस घटना को बेफिक्र से अंजाम दे दिया। इस दौरान परिवार का एक बच्चा जीवित अवस्था में मिला है, बाकी परिजनों को सूचना मिलते ही घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई। पुलिस को जानकारी मिलते ही मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल व एसपी सिटी प्रबल प्रताप अपने अधीनस्थों संग घटनास्थल पहुंचे, जहां पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मौके पर दोनों महिलाओं के शव लहूलुहान अवस्था में पड़े मिले हैं। परिजनों से बातचीत से ज्ञात हुआ है कि सास का नाम 72 वर्षीय शिव देवी पत्नी वेद प्रकाश एवं बहू का नाम 25 वर्षीय रानी देवी पत्नी अमित गुप्ता है। जिस परिवार में यह भीषण हत्याकांड हुआ है, उन शिव देवी का पुत्र डॉक्टर एल के गुप्ता जिला अस्पताल फिरोजाबाद में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर
पर कार्यरत है। चिकित्सक के परिवार में हुई इस घटना से न केवल शहरवासी बल्कि पूरा चिकित्सक समाज हतप्रभ रह गया है। मौका मुआयना करने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिन पटेल ने बताया है कि लगभग 11 बजे घटना को अंजाम दिया गया है तथा सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है और तथ्य की बात की जाए तो लूट के बिंदियों पर भी जाँच की जा रही है। बाकी जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मयंक शर्मा के साथ देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में लेबर कॉलोनी फाटक पर स्थित बिजली विभाग के एससी ऑफिस पर आज मीटर रीडरों ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि उन्हें जानबूझकर झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है, वेतन भी समय से नहीं मिलता है। तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर हमने मीटर रीडर से बात की और उसके बाद नए ISC महोदय से भी बात। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ये क्या मामला है जिसके चलते आज आप लोग आक्रोशित हैं? ऐसा है कि ये मीटर रीडर हैं, तो उसमें ये है कि इनका सेटिंग गलत होगी, इनके कनेक्शन खुलता नहीं होगा मशीन में, ठीक है। उसके दो महीने ये नहीं पहुँचे, दो महीने से वो बिल इनके उसमें खुलता नहीं था, तो इन्होंने वो बिल नहीं बनाया होगा किसी भी तरीके से, तो उसका झूठा मुकदमा कि चार साल से आप बिल नहीं बना रहे हो, लेकिन बंदा तो दो महीने पहले से ही गया, चार साल पहले से काम नहीं कर रहा। आपके JEE आपके SDO का सोते रहती है, आपके विधायक विभाग के आदमी का सोते रहते हैं, वो भी तो इस मामले को जान सकते हैं, देख सकते हैं ना कि क्या है ये, वो भी तो इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं कि क्यों नहीं खुल रहा है, कनेक्शन क्या है, मीटर रीडर पर झूठा मुकदमा लिखा गया है। आपने शिकायत की किससे? अब आगे आप लोगों का सभी मीटर रीडरों का क्या आगे प्रोग्राम है? क्या हमारा ये प्रोग्राम, हम इसका इसलिए काम नहीं करेंगे और हमारे सारे लड़के किसी चीज़ के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। और कोई नहीं, और सैलरी की बात आए ना तो सैलरी पता है 3,000-4,000 सैलरी दी जाती है, विभाग से कुछ और होता है, 2,000 लड़के से बिल बनाए जाते हैं, 2,000-2,500-2,500 बिल बनाए जाते हैं लड़कों से, लेकिन वो पूरा पैसा नहीं मिलता है लड़कों को। ये है और टैकिंग हुई है उनके घर में, और पता है वो, और मतलब फर्जी मीटर की, अगर फर्जी का मीटर का और मामला आया है सामने कि फर्जी मीटर लग रहे हैं, तो फर्जी मीटर आपका विभाग ही तो दे रहा है, लड़का नहीं जाता है, आपके विभाग के आदमी तो लगाएगा। आखिरकार ये मीटर कहाँ से आ रहे हैं? वो तो इनके विभाग से आता है ना, अधिकारी मेरे घर पे नहीं बनना, अधिकारी लोग नहीं बनना है, क्यों करेगा ये? क्या मीटर रीडर क्यों काम कर रहा है? तो अधिकारी तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फैला रहे हैं। टैगिंग लिस्ट में आपका मानना है कि दो महीने पहले जॉब पे आया और चार साल से काम दिखा रहे हैं ये? हाँ, चार साल से बिल्ली बनाया उपभोक्ता का। और ये काम पे कब आए थे जॉब पे? दो महीने पहले से आपको मानना है कि ये कागजों पे खेल चल रहा है? क्या आप लोगों को क्या आप जितने भी मीटर रीडर हैं आप लोगों को मूलभूत सुविधाएं, फंड, बोनस, पीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलता? सैलरी आपको कैसे मिलती है? आंदोलित हैं, तमाम आरोप ये लगा रहे हैं कि विभाग द्वारा खराब मीटर दिए जाते हैं, टेम्पर्ड मीटर दिए जाते हैं, सैलरी नहीं मिलती, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती, क्या मामला है? ऐसा है, कल जो है हम लोग ने दो मीटर रीडर की एफ आई आर कराई थी। उसमें क्या था कि एक मीटर रीडर जो है थ्री फेज की बिलिंग करता है, जो बड़े कंज्यूमर होते हैं 5 किलोवाट से ऊपर वाले, उनमें रीडिंग रोक कर उन्होंने फर्जी मीटर बदले, मतलब जिसमें वो खुद उपस्थित था बदलने में, जबकि मीटर रीडर का वो काम ही नहीं है बदलने का। जब मीटर रीडर का ये काम नहीं है बदलने का, उसने खड़े होकर, लज्जा राम का एक कनेक्शन है चक्की का, जिसका उसने खड़े होकर मीटर बदलवाया अपनी प्रेजेंस में, तो मीटर बदलवाना, उसकी रीडिंग स्टोर करना, मीटर बदलवाना, ये कानूनी अपराध है, विद्युत चोरी के संज्ञा में पूरी तरह से आता है, और ये गैंग बना हुआ है इनका। उसका जो सर कर्मचारी है आपका, उसका ये कहना है कि वो दो महीने से यहाँ काम पर आया, वो दूसरा कर्मचारी है, वो दूसरा, मैं उसके बारे में बताऊँ जी। एक तो मुसफ़िर है जो ये वाला करता था, उसकी तो FIR करा दी हम लोगों ने बिलिंग एजेंसी ने, और वो मेरे ख्याल से कस्टडी में है इस समय। एक दूसरा केस है जहाँ पर कि जिस कनेक्शन, वो कनेक्शन जो है 2015 से हमारे कागजों में बंद चल रहा है, उसकी बिलिंग नहीं हो रही है, जिसके बारे में उस आदमी को जो मीटर रीडर है उसे बताना चाहिए सर इसका बिल नहीं बन रहा। अगर नहीं बताएगा तो मीटर रीडर की तो जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा हुआ है ये चीज़, नहीं बताएगा तो गलती मीटर रीडर की हुई नहीं हुई, जिस कारण से हमारा कम से कम 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपये के करीब का बिल जो है, बिल 1,50,000 रुपये का बना है, वो ठीक होने के बाद जो भी मतलब बनेगा 1,50,000 रुपये का नुकसान विभाग को, सरकारी राजस्व की हानि हो रही है, तो उसके लिए बिलिंग एजेंसी ने उसको दोषी मानते हुए उसके प्रति भी FIR कराई है। उसको 3 महीने लगभग हो गए,
उसी के विषय में बात चल रही है। ये लोग भी जो आए हैं ये मुसफिर के लिए नहीं आए हैं, जो इन्होंने मेरे को बताया उसकी गलती थी। ये लोग आए हैं कि जो 3 महीने से काम कर रहा है उसके प्रति जो FIR हुई है, बिलिंग एजेंसी ने करी है, कि उसका दोष उतना नहीं है कि उसकी FIR हो, उसी पर चर्चा की जा रही है। अब चर्चा के बाद जो है लिखा जयराम जी किस क्षेत्र के ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र के हैं सर, ऐसे में जेई किलोवाट का कनेक्शन है उनका, ऐसे में सर जेई वगैरह ध्यान नहीं रखते क्या? नहीं, जेई मीटर रीडिंग नहीं करता नहीं है तो उनके बड़ा कनेक्शन है, ये तो 5 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन है सर, ये जेई के संज्ञान में भी तो होना चाहिए सर। जेई के संज्ञान में रीडिंग का मसला जेई के संज्ञान में नहीं आता है। हम लोग ने 1 तारीख को व्यापक अभियान चलाकर इसीलिए कम से कम 700-800 कनेक्शन की मतलब एक साथ रीडिंग कराई, सारे जेई सारे एक्सियन सारे SDO मिलकर बिलिंग एजेंसी में मिली, इन्होंने भी पकड़े। कई केस ऐसे उसमें संज्ञान में आ गए जिसमें मीटर जो है वो हमारे यहाँ के जो बदल गए ना मीटर, वो हमारे यहाँ के भी मीटर नहीं है, वो भी मीटर गांव से या कहीं और से, वो उसकी भी छानबीन चल रही है, मीटर कहाँ से आए हैं सर? मीटर हमारे फिरोजाबाद टाउन से निर्गत नहीं है सर। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से मीटर रीडर कह रहे हैं कि कागजों पर सैलरी कुछ और होती है, मिलता कुछ और है, तो आखिरकार ये मीटर रीडरों का वेतनमान क्या है और एक्चुअल वेतन इनको क्यों नहीं मिलता? मीटर रीडरों का वेतन जो है वो बिलिंग एजेंसी के माध्यम से मिलता है, हमारा जो इनसे एग्रीमेंट है बिलिंग एजेंसी से वो इनके रेट से है, इनके हिसाब से नहीं है कि ये कितने आदमी देंगे ये है, लेकिन इनको मिनिमम वेजेस के करीब का जो है वो इनको एश्योर करना चाहिए। जिसके लिए अभी 3-4 दिन पहले लखनऊ लेवल पर पूरी वार्ता हुई है इनकी एजेंसी में और मुख्यालय के स्तर पर, और उस पर ये चीज़ निकल कर आई है कि 8,500 रुपये इनको महीना सैलरी मिनिमम दी जाएगी, जिसमें कम से कम 1,800 से 2,000 का इनको बिलिंग करनी है। यदि बिलिंग कम करेंगे तो इनका पैसा कटेगा, और ज़्यादा करेंगे अच्छी बिलिंग करेंगे गुणवत्ता साथ बिलिंग करेंगे तो उसका इंसेंटिव भी मिलेगा इनको। क्या मूलभूत सुविधाएं भी मिलेगी, PF भी, बोनस? वो सब है, सब कुछ है उसमें, सारी सुविधाएं हैं। इनका जो भी श्रम आयोग से निर्धारित जो वो है हमारा जो नियम कहता है वो पूरा लागू होगा और इनको पूरी सुविधाएं मिलेंगी। थैंक यू। यह थाना लाइनपाल में 6.5 लाख का बकाया था, अधिकारियों द्वारा बताया गया 1 हफ्ते में बिल जमा कर दिया जाएगा, क्या उनका थाने का बिल जमा हो गया सर? बिल जमा हो गया। थाने का बिल थाने से जमा नहीं होता है, वो लखनऊ स्तर से वहाँ से आता है पैसा उनका, जब वो ट्रेजरी से पैसा आ जाएगा तो जमा होगा। आता तो सरकारी विभाग से है ना सर? सरकारी लखनऊ सरकारी विभाग से आता है, वो लोकल स्तर पर जमा करते हैं, उनके डिमांड जाती है यहाँ से, फिर वहाँ से पैसा रिलीज होता है तब आता है पैसा उनका। लेकिन उनका जो है बिल वेरीफाई हो गया, हमारा बिल वेरीफाई होकर चला जाता है तो पैसा जनरली आ जाता है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं आता है 6 महीने में या 1 साल में एक बार आता है, कहीं ना कहीं ये विसंगतियाँ नहीं है? एक तरफ जहाँ आम नागरिक पर हम बिल पेड करने के लिए दबाव बनाते हैं, अभियान चलाते हैं, लेकिन वहीं सरकारी बिल्डिंगों की अगर बात करें, चाहे सरकारी चाहे पुलिस का थाना हो या कोई सरकारी दफ्तर, उनके पास अगर बिल आप निकालेंगे तो सालों के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपये के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन वो उन पर विभाग क्यों नहीं ध्यान देता? नहीं देखो, सरकारी उसमें क्योंकि पैसा उनको सरकार जो विभाग है उसको अपनी जेब से नहीं करना होता है, प्राइवेट आदमी को तो अपनी जेब से भरना है। वो जो पैसा है वो ट्रेजरी के थ्रू आता है इनके पास, वो आता है सरकार के माध्यम से, तो जब भी वो सरकार का पैसा नियमतः जो भी बिल चले जाते हैं उनका पैसा रिलीज होता है वहाँ से, वन टाइम पैसा आता है तो वो जमा हो जाता है। टाइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं रहती? टाइमिंग की बाउंडेशन, हम लोग कनेक्शन काटते हैं, जैसे जो लोकल स्तर पर जमा होते हैं पैसे, PWDA मान लीजिए तो उसका कनेक्शन कटता है, BSNL है उसका कनेक्शन कटता है, फिर एश्योरेंस आ जाता है, क्योंकि उससे मतलब मेन चीज़ सरकार की क्या होती है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। आगे पीछे हो जाता है बिल, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना मतलब हर एक सरकारी आदमी का काम है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए मयंक शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। सोनभद्र कांड में DM सोनभद्र और SP सोनभद्र हटाए गए हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। वहीं 1989 में रॉबर्ट्सगंज के तहसीलदार SDM के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मौजूदा SDM, CO सहायक परगना अधिकारी, SOSI सहायक निबंधक, सस्पेंड, जितने भी जिम्मेदार जीवित हैं सब पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस घटना में जो लोग भी जिम्मेदार हैं
अगर जीवित हैं तो सरकार उन पर भी कार्यवाही करेगी। कोर्ट के आदेश के बिना प्रधान का साथ देने वाले अरुण कुमार दीक्षित एसीपी पर भी कार्रवाई की जाएगी। और सोनभद्र कांड में गलत ढंग से जमीन अपने नाम कराने वाले दो पूर्व आईएएस अफसरों की पत्नियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पूरे मामले की जांच डीआईजी एसआईटी जे रविंद्र गौड़ के नेतृत्व में की जाएगी। 3 महीने में इस पूरे मामले में दर्ज किए गए सभी मुकदमों की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस पूरे मामले में 8 अफसरों को हटाया गया है। डीएम, एसएसपी, 1 एडिशनल एसपी, 3 सीओ समेत 8 अफसरों को हटा दिया गया है। इसके अलावा नॉन गेस्टेड ऑफिसर में 3 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाहियों, 7 अफसर पर भी कार्रवाई की गई है। इस घटना के लिए अलग से एसआईटी गठित की गई है। सरकारी भूमि पर कब्जे के संबंध में सोनभद्र समेत पूरे प्रदेश में फर्जी सोसाइटी गठित करते हुए भूमि कब्जा की जा रही है। रेणुका कुमार की अध्यक्षता में 1-6 सदस्यीय कमेटी गठित की जा रही है और जहां भी फर्जी सोसाइटी बनाकर जहां भी जमीनों को हड़पने का कार्य हुआ है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें, कांग्रेस के तत्कालीन एमएलसी ने फर्जी सोसाइटी गठित करवाई है जिनमें उनके 12 रिश्तेदार भी थे। उसी फर्जी सोसाइटी के नाम भूमि दर्ज कराई गई है। गलत तरीके से बिहार के रहने वाले थे कांग्रेस के एमएलसी। उसी फर्जी सोसाइटी के नाम गलत तरीके से भूमि दर्ज कराई गई है और कांग्रेस के एमएलसी बिहार के रहने वाले थे। सोसाइटी से जीवित जो भी सदस्य है उनके नाम एफआईआर दर्ज की जाएगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सोनभद्र। जनपद में जहर खुरानी गिरोह काफी लंबे समय से सक्रिय होकर वारदात को अंजाम देता रहा है। पुलिस के लिए यह गिरोह चुनौती बन चुका था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कन्नौज की सर्विलांस टीम व स्वाट टीम ने इसके लिए मुखबिर लगाए हुए थे, जिसकी सूचना पर वाहन चेकिंग लगाई गई, जिसमें एक टाटा कार पर 3 लोग सवार थे। तलाशी में उनके पास से 700 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं और कार में 21 मोबाइल, 1 लैपटॉप सहित ज्वेलरी भी बरामद हुई है। पकड़े गए गिरोह के लोगों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वे त्योहार के दिनों में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जगह चले जाते हैं और वहां से कन्नौज, फरुखाबाद, मैनपुरी, बेबर आदि डिपो की बसों पर बैठ जाते हैं। फिर यात्रियों से दोस्ती करके उन्हें बिस्किट खिलाकर उनका सारा सामान लेकर रास्ते में उतर जाते हैं। हाल में 2 घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार भी किया है, जिसमें 70,000 रुपए जहर खुरानी गिरोह ने लूट लिया था, जिसमें एक यात्री कन्नौज के छिबरा मऊ का रहने वाला था, दूसरा मुसावर भरतपुर राजस्थान का रहने वाला था। घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि जहर खुरानी गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 1 लैपटॉप, 21 मोबाइल, सोने चांदी की ज्वेलरी, 1 इंडिका कार सहित बड़ी मात्रा में नशीले पाउडर की गोलियां बरामद की गई हैं। इन्होंने कई घटनाओं को अंजाम देना भी कबूल किया है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज।